अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये हमारे पास जो है ना 5521 की मशीन है और ये जो है ना डेट के इशू में आई है। इसमें जो है ना पावर नहीं आ रही, तो इसको जो है ना अभी देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, इसका नंबर वगैरह सारा जो है ना मिटा हुआ है। ये सर्विस टैग वगैरह है इसमें सिर्फ F6Z5। तो ये जो ना, ये देखिए, ये बोर्ड को हम लोगों ने ओपन कर दिया है। तो इसमें जो ना है, ये देखिए वाइट स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा आईसी के नीचे। तो इस टाइप का जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मल जो ना आप इसको पानी से जो ना क्लीन कर सकते हैं। ये जो सेम इस तरह के जो वाइट स्पॉट होते हैं, क्योंकि ये जो वाटर डैमेज होता है इसको हमेशा कोशिश किया करें कि पानी से, सिंपल जो है ना सिर्फ पानी से आप क्लीन करें और इस एरिया को ना पहले अच्छी तरह से स्टडी कर लें, देख लें। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है वाटर डैमेज से जो है ना बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं वो जो ना उसमें स्पार्क वगैरह की वजह से, तो वो जो ना लूज़ हो चुके होते हैं। तो उनको भी ज़रा देखें कि जो ना उधर से सर्किट कहीं डैमेज ना हो जाए, एहतियात के साथ जो ना उसको क्लीन भी करें। तो क्लीन करते हुए ज़रा थोड़ा ख्याल रखें और उसके बाद जो है ना लाजमी इसको जो है ना पूरा खुश्क करें, ड्राई करें बिल्कुल, और उसके बाद फिर जो है ना आप लगा के चेक करें। जब 100% आप श्योर हो जाएं कि जो है ना ड्राई हो चुका है बोर्ड, तो उसके बाद फिर आप प्लग करें। उससे पहले जो है ना अगर आप हॉट एयर से जो है ना अगर उसको ड्राई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रह जाएगा, क्योंकि उसमें शॉर्टेज के जो चांसेस होते हैं उससे जो है ना बच जाएंगे। तो ये देखें, ये अभी इसको ऑन किया है, ये ऑन हो गया है और ये देखें हमारा डिस्प्ले भी आ गया। तो इसमें जो इशू था वो आपको मैंने दिखाया, सिर्फ जो है ना इसका वाटर डैमेज का था। वाटर डैमेज का जो एरिया था वो हम लोगों ने क्लीन किया। ये देखें आईसी बिल्कुल जो है ना क्लीन है। अगर फिर भी उसमें कोई थोड़ा बहुत आपको कोई अगर कसर वगैरह थोड़ी सी नज़र आती है तो फिर जो ना हल्की पेस्ट लगा के उसको हॉट एयर से जो ना थोड़ा सा हॉट कर लें उधर से, तो उससे जो ना ये होएगा रीसोल्ड हो जाएगा आईसी। और फिर जो ना उसमें जो आपका रीसोल्डिंग का होता है, जो उसमें लूजिंग की वजह से बाज़ वक़्त स्पार्क आ रहा होता है और ऑन नहीं होता है, तो वो जो ना आपका ऑन हो जाएगा। तो इस तरह की जो भी वीडियोस वगैरह आती हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके साथ पूरी बना के जो ना शेयर करूं, ताकि आपको फॉल्ट का जो ना पता लग सके कौन सा फॉल्ट कैसे रिपेयर करना है। और ऐसे अगर फ्यूचर में कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम अगर फेस करना पड़ता है तो आप जो है ना इजीली उसको जो है ना फेस कर सको और ख़ुद से जो है ना उसको सॉल्व भी कर सको। क्योंकि काम के दौरान अगर कोई इस तरह का कोई इशू निकल आता है तो आपके लिए उसमें दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ का जो है ना सामने बिल्कुल उसकी वीडियो वगैरह बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाए। तो ये देखें अभी इसको जो ना सारी चीज़ें वगैरह लगा के, इसके स्पीकर वगैरह लगा के और बाकी कम जो इसके है फिटिंग वगैरह करके, तो इसको प्रॉपर फिर बाद में चेक करते हैं। ये देखें अभी बाकी इसको फिट कर दिए, सिर्फ पावर बटन ओपन है और बाकी सारा देखिए फिट कर दिए इसको। हार्ड ड्राइव में भी लाइट आ रही है और सारी लाइट्स वगैरह शो कर रहे हैं।
ये देखिए अभी जो है ना इस पे इसको नॉर्मल इस पे सिलेक्ट करेंगे और ऑन इंटर करके अभी ये लोडिंग हो रही है, विंडोज़ में जा रहे हैं। इस पे लाइन है स्क्रीन पे, ये देखिए लाइंस नज़र आ रही होंगी आपको। ये पहले डेड था, डेड के इशू में आया था, क्योंकि डेड में तो आपको भी होता है कि लाइंस वगैरह कुछ नज़र नहीं आता है, अगर टूटा हो तब नज़र आता है, अगर टूटा ना हो तो फिर जो है ना लाइंस वगैरह भी नज़र नहीं आती। तो ये रहा आज का जो फॉल्ट था, जो शॉर्टेज थी वो आपके सामने। ज़्यादा मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्लीन किया। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि पोर्ट को खोल के पहले रीड किया करो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से फिर जो है ना उसको सॉल्व कर लें। ये देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि ये जो ना मोनोग्राम जो आता है ये विंडोज 7 में आता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ नए फॉल्ट में नया सीखने के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।